नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन दिल्ली और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले एनडीएमसी के तमाम कर्मचारी जो अभी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, उनकी ये मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए। काफ़ी लंबे समय से वो जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। काफ़ी कम वेतन मिलता है और जिस तरह से महंगाई जो है वो चरम पर है, तो उसके चलते उनका जीवन यापन चलना जो है काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो तमाम लोग जो आज दिल्ली में जंतर मंतर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए, और इनकी यही मांग है कि एनडीएमसी जो है इनको परमानेंट करे, इनका जो है वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। और जिस तरह से केजरीवाल सरकार मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात करते हैं, उन सारे मुद्दों को जो है ये खारिज करते हैं कि हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हमें परमानेंट किया जाए, हमारी पक्की जॉब दी जाए, हमारा अच्छा वेतन होना चाहिए। तमाम लोग हैं, लोगों से बात करेंगे, लोगों का क्या कहना है वो भी जानेंगे। केजरीवाल की अभी पंजाब के अंदर सरकार बनी है, उन्होंने कहा है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे वहाँ पे। तो जो दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली सरकार के अंदर और जो केंद्र के अंदर जो एनडीएमसी आती है, ये इन कर्मचारियों को तो पक्का नहीं किया गया। तो वहाँ पे सरकार बनते ही इन्होंने घोषणा कर दी कि उनको पक्का करा जाएगा। ये कब तक ऐसे झूठे आश्वासन चलते रहेंगे? और जो दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, सबसे पहले दिल्ली से तो अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुँचे हैं, जो उन्होंने वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बना अपना आम आदमी पार्टी का है। तो हमारे कच्चे कर्मचारियों को दिल्ली से स्टार्ट हुए हैं ये अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने जो है हमारे एनडीएमसी कर्मचारियों को तो अभी तक पक्का नहीं किया। ऐसे कब तक झूठे आश्वासन झेलते रहेंगे हम, कब तक सहन करेंगे? आप ये बताओ, हमारे साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है हमारे साथ में। अच्छा, केजरीवाल ने हमारे से वादा किया था कि एक दिन भी जिसके दिन होंगे उसको हम पक्का कर देंगे, हमारी सरकार लाओगे, हमें 50 सीट ला के दे दो। हमने उन्हें 67 सीट ला के दी, 67 थी, 3 सीट कम बस 70 के अंदर। उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं, हमें कहाँ बुलाया गया, कौसाम्बी बुलाया गया हमें, इन्होंने ऑफिस में दरबार लगाया, वहाँ गए, कह रहे केजरीवाल जी ने मुझसे कहा 500 दिन है आपके पास, मैंने कहा हाँ जी 500 दिन है मेरे पास, 500 दिन है हमारे पास सब बंदों के पास, लेकिन आप हमें कह रहे ठीक है अब आपके आपका हम एनडीएमसी प्रस्ताव रख देंगे कौंसिल में, लेकिन 50 बार कौंसिल मीटिंग हुई है लेकिन हमारा प्रस्ताव नहीं रखा गया, और अब हम धरना पर उतरना पड़ा हमें मजबूरन। लाल झंडा यूनियन ब्रांच एनडीएमसी से मैं पूजा उज्जैनवाल, अपने जो कच्चे कर्मचारी हैं मिस्टॉल के कर्मचारी हैं उनके लिए हमने 25 नवंबर को भी धरना दिया था, प्रशासन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही है, और जो नेता हैं वो झूठे दिलासे देते हैं। वोट के टाइम पे तो इनको 100 तरह के हमें दिलासे देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब हमारा कोई काम होता है तो कोई नहीं सुनता। एक सबसे बड़ा खतरा जो है ये जो वोटिंग मशीन है, इनकी वजह वोटिंग मशीन ईवीएम उसको ये मतलब इनकी पार्टी आ जाती हैं, और सभी नेताओं के घमंड इतने तगड़े हो रखे हैं, इतने भयंकर तरीके से हमारे जो पेपर है फाइलें फेंक दी जाती हैं इनको, मतलब कि हमारे तरफ कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम रोड पे आ चुके हैं। हमारी ये मांग है कि देखो हमारे कच्चे कर्मचारी बैठे हुए हैं, लोग घरों में बैठे हैं, इनके पास एक टाइम खाने का होता है, दूसरे टाइम नहीं होता, हमारे कर्मचारियों के पास किराया नहीं होता। अब हमें तो बस डायरेक्ट पक्का होना है, क्योंकि जो जो इनकी पॉलिसियाँ थी उनके द्वारा तो हमने टाइम निकाल चुके हैं। सर, इसमें यह भी था कि जिनकी 500 हाजिरी हो गई है उनको रेगुलर किया जाएगा। 2014 के अंदर जनवरी के अंदर इन लोगों को, जिनकी 500 हाजिरी हो गई थी, तो उन लोगों को रेगुलर किया गया, ठीक है, जो आज अपने लिए पक्के के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, ठीक है। और कुछ जो भाई हम ये लोग हैं जो सारे, जो सफाई कर्मचारी भी है, स्कूल के भी है, माली भी हैं, काफ़ी लोग हैं ये जो 500 हाजिरी कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें भी उनके साथ साथ पक्का किया जाए, हमारा भी हक रखा जाए, हमारा भी हक रखा जाए, 500 हाजिरी हमारी हो चुकी है। अच्छा, किसी की जनवरी 2014 में हो चुकी है, किसी की 2014 के बाद हुई है, तो उनकी तरफ भी, हमारी तरफ एनडीएमसी देखे तो हम गरीबों की तरफ, तो हमारी भी कुछ गाड़ी आगे चले, और जब और 2014 से हम लोगों को बिठा रखा है।
समस्या आपके सामने देख ले, वो ये समस्या हमारी TMR को पक्का करने के लिए। हम NDMC में 15-20 साल हो गए, हमारी उम्र होती आ रही है और हमारे को ये समझ लो कि हमारे को हमेशा आश्वासन मिला जा रहा है। कौन है आप? TMR? मैं TMR की पोस्ट पे, पेंट्री की पोस्ट पे काम करता था। मैं भी TMR हूँ सर। जी, मैं सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे हूँ। तो मैं TMR के अंदर पेंट्री की पोस्ट पे हूँ, जो मैं 2006 में लगा था। तो 2014 में मेरे 500 दिन नहीं हुए थे, फिर मैंने 14 में 500 दिन कर चुका था मैं, और अब उसके बाद मैं बैठा हुआ हूँ। मैं क्या, मेरे सारे भाई बैठे हुए घरों में बैठे हुए। 31 जनवरी 2014 का इन्होंने सर्कुलर निकाला था जिसके 500 दिन है उनको परमानेंट RMR किया जाएगा। RMR उनको कर दिया है, वो आज कम से कम 8 साल होगी उनको बैठे हुए, और उनको अभी परमानेंट नहीं किया। जब अगर उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा तो हम कैसे RMR होंगे? और वो परमानेंट नहीं होंगे तो हमारे मार नहीं हो सकते, ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन उनको 5-6 साल का टारगेट दिया हुआ उनको, वो 6 साल उन्होंने पूरे कर लिए RMR वालों ने। अच्छा। रेगुलर परमानेंट वो रेगुलर हो चुके हैं, वो रेगुलर हो चुके हैं, उन्हें परमानेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद आपका फिर हमारा प्रोसीजर TMR उनके साथ हमें भी पक्का किया जाए। अब हमारा 5 साल पीरियड हो गया, हमने 5 साल दे दिया पूरा हो चुकी है। अब NDMC में हमने 5 साल पूरे कर लिए और 5 साल इनकी पॉलिसी है कि भी 5 साल बाद 500 दिन जिनके हो जाएंगे उनको RMR कर दिया जाएगा। फिर RMR के बाद 18 महीने बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा चक्कर डाला है कि उसको सी ग्रुप डी ग्रुप के अंदर डाल दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे दिल्ली सरकार और जो NDMC के कर्मचारी पदाधिकारी, उन लोगों से आपने बात की, तो उन लोगों का क्या कहना है, वो कैसे सर? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं लिया गया सर, अभी हर बार यही किया, अभी आश्वासन दिया जाता है। अगली मीटिंग में काउंसिल में आपको प्रस्ताव रख दिया जाएगा, एजेंडे में रख दिया जाएगा, बट एजेंडे में रखा नहीं जाता और हमारा साथ हमें गुमराह किया जाता है। हम नहीं चाहते कि हमें गुमराह किया जाए। अगर इस तरह से गुमराह होते रहेंगे हमारे साथ और प्रसाद और उठेंगे। केजरीवाल कहते हैं कि हम अपने दिल्ली के लोगों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं और सब लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा। जी बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वो सरासर झूठ बोल रहे हैं इस बात को। वो हमें से हमें गुमराह किया जा रहा है, और अपनी 4 बार 3 बार जीत चुके हैं वो, तीनों बार ही हमें गुमराह किया, और सारे बंदों को हम स्टम घर बैठे हैं। पानी नहीं चाहिए ना, बिजली फ्री चाहिए, हमें चाहिए हमारी नौकरी चाहिए, जिससे हम तुम्हारा बिल भी भर सके, हम पानी का बिल भर सके और अपने बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी करा सके। हमें फ्री नहीं चाहिए।